नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर, जहां करहिया मंडी बनी दिखावा, व्यापारियों को हो रही परेशानी। खबर रीवा से है, जहां विकास के नाम पर करहिया मंडी का निर्माण कराया गया और एक विधायक की कंपनी ने निर्माण कराया और जमकर धन बटोरा और घटिया निर्माण भी कराया। व्यापारियों ने अपनी पूंजी लगाकर दुकानें भी खरीदी, किसी तरह उन्हें दुकानें मिली, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं सुबह मंडी बंद हो जाती है, जिसके चलते पूरा दिन कामकाज प्रभावित हो जाता है। व्यापारियों की समस्या उठाते हुए कांग्रेस नेता कुंवर बहादुर सिंह ने कहा कि लाखों रुपए देकर व्यापारियों ने दुकानें खरीदी थी, लेकिन अव्यवस्था यह है कि अब सिर्फ सुबह 11 बजे तक दुकानें खुलती हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया है, बाहर दुकानें लगी हुई हैं, नाम के लिए मंडी है। दिखाते हैं मंडी के अंदर का हाल और सुनाते हैं कांग्रेस नेता ने किस पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। गाड़ियन के लिए पार्किंग में पार्किंग अवैध खाली होती है मंडी से, हो गए क्या? देखिए, 7 साल पहले ये दुकानें निर्मित कराई थी और इसलिए कि ये व्यापारियों को दे दिया जाए, साधारण व्यक्ति यहाँ की दुकानें लेकर अपना रोजगार करे, रोजी रोटी कमाए। लेकिन 7 साल बाद इनका हाल देखिए, सारी दुकानें बंद हैं और जो चौरे हैं, जो किसान उत्पादक हैं उनके हैं, वो व्यापारियों को दे दिए हैं। ये रोड देखिए, सारी रोडों पर सब्जियाँ लगी हुई हैं, सब्जी व्यापारी लगाए हुए हैं और गंदगी का आलम इस प्रकार है कि आप मंडी घूम कर देखिए तो 3-4 समस्याएं हैं। और यहाँ पर जो दुकानें हैं ये 10:30-11 बजे बंद हो जाती हैं। अब जो दुकानें लिए हुए हैं वो 11 बजे दुकान बंद कर देंगे, उनकी दुकानें नहीं खुली हैं, 4 से 5 लाख उनसे सरकार ने वसूल लिए हैं। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, दुकान भी गई, पैसा भी गया। मंडियाँ जैसे खुली है, 20-20 लाख की दुकानें हैं और मध्य प्रदेश की ये एक नंबर की मंडी कहलाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा, आज उस अंतर्राष्ट्रीय मंडी का ये हाल। देखिए, मध्य प्रदेश की एक नंबर मंडी कागजों में बनी हुई है, लेकिन ग्राउंड में इस मंडी को बदतर बना दिया गया है और मंडी के हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि ना व्यापारी 3-4 घंटे से ज़्यादा टिक पाता और जो बेचारे उपभोक्ता हैं जिनको सब्जी लेना है या अनाज लेना है उनकी तो हालत बहुत ख़राब। आप घूम कर चारों तरफ देखिए, इस तरह से 20 से 25 लाख रुपया प्रत्येक व्यापारी का फंसा है और सरकार इस पर उदासीन है और भाजपा सरकार को कमीशन मिल रहा। आप हर दुकान में जाइए, हर दुकान वाले से महीने प्रति रोज इनका कमीशन फिक्स है और ये 1000-1000 रुपया एक दुकान वाले अवैध रूप से वसूली करवा रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की, यहाँ के विधायक और मंडी प्रशासन है। प्रशासनिक अमला अभी तक आया नहीं है। प्रशासनिक अमला आता तो रोडों पर किसान सब्जी लगाते, 10 बजे दुकानें बंद हो जाती, 7 साल बाद दुकानें नहीं खुलती और साफ सफाई इतनी गंदगी है कि मंडी लगती ही नहीं। दुकानों का अभी भी निर्माण चालू है, पार्किंग नहीं है, क्या ये? देखिए, दुकानों का निर्माण और पार्किंग दोनों व्यवस्थाएं एक नंबर मंडी के लिए बनाई गई थी। पार्किंग का हाल पीछे साइड आप देख ही रहे हैं, किस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं, खड़ी होने की जगह नहीं है, यहां से वाहन भी चोरी होते होंगे, लेकिन गरीब मजदूर और किसान का पूछेगा कौन।